हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी में आज लगभग हमने 1700 पॉइंट का ड्रॉप देखा, लगभग 4.5% नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 36,825 है। और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने एक लॉन्ग टर्म करेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ये जो करेक्शन है, इसका टारगेट शायद रहेगा लगभग 35,200 का इसका टारगेट रहेगा। तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म शायद टॉप हो चुका है अभी जो है, तो हमें लॉन्ग टर्म बॉटम ढूंढना है। और जो इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले बार मिस किया था, उन्हें शायद बहुत ही लंबा मौका देने वाला है मार्केट आगे चल के। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल के लिए इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 35,200 का। करंट लेवल से लगभग 1600 से 1700 पॉइंट का लोअर लेवल फिर से दिखता है मुझे बैंक निफ्टी में एक मीडियम टर्म में। तो यहाँ जैसे मैंने कहा था, ब्लड बात होगा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और बैंक निफ्टी ने तो आज गजब ही कर दिया, 1700 पॉइंट का ड्रॉप दिखाया। और हमने जो है तो अच्छे खासे गेंस भी देखे यहाँ, जिन्होंने शॉर्ट साइड पर ट्रेड ली होगी उनके लिए। तो यहाँ डेली चार्ट पे देख सकते हो आप, लगभग एक ही कैंडल दिखा रही है 4.5% का लॉस। और हम जो बढ़ रहे हैं, जो टारगेट था मेरा 36,200 के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जब टूटेगा हम और एक लंबी सी और बड़ी सी कैंडल देखेंगे, और यहाँ से मार्केट जो है तो पैनिक सिचुएशन में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ये टूटेगा आपको मार्केट में मार्जिन कॉल और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो 36,200 का लेवल अगर तोड़ता है, 36,200 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो उसके बाद में 35,500 और हो सकता है कि 34,000 के भी एक पैनिक लो हम बनाते हुए दिखे। और ये डिपेंड करेगा न्यूज़ फ्लोज कैसे आते हैं। और यहाँ जो है, तो और एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो दोनों तरफ के आपको मूव्स देखने को मिलेंगे, मगर मोस्टली आई विल प्रीफर सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो मेरा सेलिंग का ही व्यू रहेगा, बाय करना भी होगा मुझे तो मैं सिर्फ इंट्राडे में ही बाय करूंगा। अगर मुझे कैरी करना है यहाँ से तो मैं शॉर्ट ही कैरी करूंगा। मगर आपको कैरी कब करना है शॉर्ट, अगर बाउंस बैक आता है और अच्छे खासे बाउंस बैक के बाद फिर से मार्केट नीचे जाता है, तभी आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। ऑलरेडी मार्केट इतना गिर चुका है तो उस टाइम आप शॉर्ट करोगे तो आप तो बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस भी जाएंगे और आपको शायद मार्केट स्टॉप लॉस के ऊपर ही खुलेगा। तो वोलेटिलिटी यहाँ पीक पे रहेगी क्योंकि विक्स ज़्यादा है। तो विक्स ज़्यादा है मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में, तो वो तो कॉमन चीज़ होने वाली है। वोलेटिलिटी यहाँ से जो है तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बियॉन्ड योर पॉइंट और रिस्क प्रोफाइल के आगे रहने वाली है। तो आपको जो है तो आपकी लॉट साइज कम करनी है, पोजिशन कम कर देनी है, या फिर ऑप्शन के साथ आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिल जाएंगे। इंट्राडे में लॉन्ग रहिएगा और पोजिशनल में मोस्टली शॉर्ट ट्रेड कैरी करना है, मगर वो बाउंस बैक की बात। तो अभी यहाँ देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं हम गैप डाउन खुले और वहाँ से जो है तो वहाँ कंसोल्ट करने की कोशिश की, फिर से जो है तो फ्रेश सेलिंग आ गई और हमने पिछले वीक का जो लो था वो तोड़ के उसके नीचे जा चुके हैं। यहाँ जो है तो पिछले मंथ का जो लो है वो है 35,650 पे। तो ये मेरा टारगेट रहेगा, 35,650 का टारगेट रहेगा मेरा इस वीक के लिए। और उसके नीचे गए तो फ्री फॉल देखने को मिलेगा आपको। ऑलरेडी निफ्टी जो है तो पिछले महीने का जो लो था उसको तोड़ चुका है और उसके नीचे जाने के लिए ऑलरेडी हम निफ्टी में तोड़ चुके हैं और उसके नीचे जो है तो हम जा सकते हैं, मगर यहाँ वोलेटिलिटी दोनों तरफ रहेगी। तो आपको बाउंस बैक पे खेलना है, मेजर रेजिस्टेंस के अराउंड आता है मार्केट तभी शॉर्ट करना है। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो रहेंगे लगभग, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 37,400 का, उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 37,900 का, और जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 38,400 का। तो आप देख सकते हो कि कितने लंबे लंबे और बड़े बड़े लेवल्स है। तो इसलिए मैंने कहा कि वोलेटिलिटी दोनों साइड दिख सकती है। यहाँ जो है तो रेजिस्टेंस के पास आने पर आपको देखना है कि मार्केट सस्टेन होता है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर शॉर्ट जाइए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट फ्यूचर में जा सकते हो, या फिर ऑप्शन में एट द मनी पुट खरीद के भी आप मार्केट को प्ले कर सकते हो। क्योंकि यह जो है
तो मार्केट की मूवमेंट इतनी बड़ी रहेगी कि ऑप्शन में भी आपको फ्यूचर के जैसे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए और हो सकता है कि यहाँ हमें रिकवरी भी उतनी ही वैसे ही स्ट्रांग होती हुई दिखे। तो यहाँ अगर रिकवरी आती है तो हम लॉन्ग प्ले करेंगे, मगर इंट्राडे के लिए उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे और मोस्टली जो है तो शॉर्ट के मौके ढूंढेंगे मार्केट में, और शॉर्ट जो है तो उनको कैरी करना पसंद करेंगे हम। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है 37,400, उसके बाद में जो है तो 37,900 और लास्ट 38,400। तो इन लेवल पे अगर मार्केट आता है और वह सस्टेन नहीं करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। और नीचे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मेरा, कल के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,400 से लेकर 35,650 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ सेल ऑन प्राइस भी रहेगा। मोस्टली मुझे लगता है कि मार्केट अगर बाउंस बैक करता है तो वो शायद थक जाएगा 37,900 to 950 का रहा, तो वहाँ मैं फ्रेश शॉट लेना पसंद करूँगा बैंक निफ्टी में, वो भी फ्यूचर में विथ 100 या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट जो रहेगा मेरा फाइनल टारगेट उस पोजीशन में वो रहेगा 35,650 का। तो यहाँ अच्छे खासे आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे और वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी, वो ऑलरेडी हमें दिख रहा है विक्स में। तो यहाँ जो है तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, पोजीशन साइज छोटा लीजिए या फिर ऑप्शन के साथ मार्केट को प्ले कीजिए, लॉन्ग कैरी मत कीजिए। शॉर्ट कैरी करते हो तो भी अगर आपका उतना रिस्क प्रोफाइल है तो ही कीजिए, क्योंकि यह वोलेटिलिटी में दोनों तरफ के स्टॉप लॉस जाने की ज़्यादा संभावना है। मगर मोस्टली मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो नीचे के लेवल दिखाएगा और बैंक निफ्टी में हमें जो मेजर टारगेट दिखते हैं वो 36,200, उसके नीचे जो है 35,500 और लास्ट में जो है तो 34,000 के भी टारगेट हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। जैसे ही ये 36,200 का लेवल टूट जाएगा हमें जो है तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, मगर यहाँ वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी और यहाँ हमें सेल ऑन राइज व्यू अप्लाई करना है। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ माई सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।